चेंजेस कौन से करोगे सतलुज क्लब के लिए? मैम एक तो हम खाने की कंडीशन इम्प्रूव करेंगे, किड्स जोन बनाएंगे, स्विमिंग पूल को ऑल वेदर करेंगे, कोशिश करूंगा कि मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। मेंबर्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सैटरडे को इलेक्शन है, जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसकी पावर्स देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं क्या। जैसे मैं पहले IMA प्रेसिडेंट था, फिर मैं रोटरी में प्रेसिडेंट रहा, मैं रोटरी का असिस्टेंट गवर्नर था, IMA का ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब था, एंड इनिशियली आई वॉज सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन लुधियाना सिविल हॉस्पिटल। सर आपका फर्स्ट विजन क्या होगा सतलुज क्लब के लिए? मैम सब तो पहले तो मैं चाहूँगा कि इतने कुछ इंप्रूवमेंट इमीजिएटली लिया जाए, जिमें कि एक किड्स जोन बनाया जाए ताकि बच्चियाँ और मावं की गिनती इतने बढ़ सके, क्योंकि इतने किड्स जोन लोग बर्थडे मनाने वास्ते बाहर कई होटल्स से जाते हैं जितने कि बहुत ज़्यादा चार्जिज है, और ये अपना क्लब होने के बावजूद जिसे वो मैंबर ने मंथली पे करते हैं उन्होंने इतने फैसिलिटी दी जाए मिनीमल कॉस्ट से ताकि वो बच्चों के बर्थडे मना और लेडीज़ का ज़्यादा तो ज़्यादा नंबर आए इतने। इस तो इलावा मैं एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाना चाहना ताकि कार्स की प्रॉब्लम बहुत आती है, जो भी कोई फंक्शन होता बहुत दूर तक लोग मेरे मैंबरस में कार खड़ी करके आना पैंता है, जिड़ी कि मैं रोकना चाहना। इस तो इलावा मैम असं आल वैदर स्विमिंग पूल चाहते हैं, आल वैदर स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, क्या काफ़ी मैंबर साढ़े स्विमिंग से इंटरेस्टिड है। सर अगर आपको मौका दिया जाए सतलुज क्लब में तो आप 5 चेंजेस कौन से करोगे सतलुज क्लब के लिए? मैम एक तो हम खाने की कंडीशन इम्प्रूव करेंगे, एक किड्स जोन बनाएंगे और स्विमिंग पूल को ऑल वेदर करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। मेंबर्स को ये अपील करना चाहता हूं कि वो सैटरडे को इलेक्शन है और आके वो जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसकी पावर्स देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं क्या। जैसे मैं पहले IMA प्रेसिडेंट था, फिर मैं रोटरी में प्रेसिडेंट रहा, मैं रोटरी का असिस्टेंट गवर्नर था, IMA का ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब था, सो आई हैव वर्कड इन डिफरेंट पोजीशंस एंड इनिशियली आई वाज एज सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन लुधियाना सिविल हॉस्पिटल, सो आई नो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरीथिंग, सो आई विल ट्राई कि मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे सकां ते बहुत वधिया क्लब नू इंप्रूव कर सकां। 5 चेंजेस कौन से करोगे सतलुज क्लब के लिए? मैम एक तो हम खाने की कंडीशन इंप्रूव करेंगे, किड्स जोन बनाएंगे, स्विमिंग पूल को ऑल वेदर करेंगे, कोशिश करूंगा कि मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। मेंबर्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सैटरडे को इलेक्शन है, जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसकी पावर्स देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं क्या। जैसे मैं पहले IMA प्रेसिडेंट था, फिर मैं रोटरी में प्रेसिडेंट रहा, मैं रोटरी का असिस्टेंट गवर्नर था, IMA का ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब था, एंड इनिशियली आई वाज सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन लुधियाना सिविल हॉस्पिटल। सर आपका फर्स्ट विजन क्या होगा सतलुज क्लब के लिए? मैम सब तो पहले तो मैं चाहूँगा कि इतने कुछ इंप्रूवमेंट इमीजिएटली लिया जाए, जिमें कि एक किड्स जोन बनाया जाए ताकि बच्चियाँ और मावं की गिनती इतने बढ़ सके, क्योंकि इतने किड्स जोन लोग बर्थडे मनाने वास्ते बाहर कई होटल्स से जाते हैं जितने कि बहुत ज़्यादा चार्जिज है, और ये अपना क्लब होने के बावजूद जिसे वो मैंबर ने मंथली पे करते हैं उन्होंने इतने फैसिलिटी दी जाए मिनीमल कॉस्ट से ताकि वो बच्चों के बर्थडे मना और लेडीज़ का ज़्यादा तो ज़्यादा नंबर आए इतने। इस तो इलावा मैं एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाना चाहना ताकि कार्स की प्रॉब्लम बहुत आती है, जो भी कोई फंक्शन होता बहुत दूर तक लोग मेरे मैंबरस में कार खड़ी करके आना पैंता है, जिड़ी कि मैं रोकना चाहना। इस तो इलावा मैम असं आल वैदर स्विमिंग पूल चाहते हैं, आल वैदर स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, क्या काफ़ी मैंबर साढ़े स्विमिंग से इंटरेस्टिड है। सर अगर आपको मौका दिया जाए सतलुज क्लब में तो आप 5 चेंजेस कौन से करोगे सतलुज क्लब के लिए? मैम एक तो हम खाने की कंडीशन इम्प्रूव करेंगे, एक किड्स जोन बनाएंगे और स्विमिंग पूल को ऑल वेदर करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। मेंबर्स को ये अपील करना चाहता हूं कि वो सैटरडे को इलेक्शन है और आके वो जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसकी पावर्स देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं क्या। जैसे मैं पहले IMA प्रेसिडेंट था, फिर मैं रोटरी में प्रेसिडेंट रहा, मैं रोटरी का असिस्टेंट गवर्नर था, IMA का ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब था, सो आई हैव वर्कड इन डिफरेंट पोजीशंस एंड इनिशियली आई वाज एज सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन लुधियाना सिविल हॉस्पिटल, सो आई नो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरीथिंग, सो आई विल ट्राई कि मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे सकां ते बहुत वधिया क्लब नू इंप्रूव कर सकां।